हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है सिंगापुर सीरीज़ का फर्स्ट व्लॉग। सो अभी हम एयर इंडिया की हमने ये फ़्लाइट लिया और हम अभी जस्ट बोर्ड किया है हमने। यहाँ पे मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो एयर इंडिया या फिर सिंगापुर एयरलाइंस, इनमें से दोनों में से कोई भी आप फ़्लाइट बुक कीजिएगा। और किसी जो कंपनी है उसकी इतनी मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा। ये दोनों फ़्लाइट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं और कंफर्टेबल हैं और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। यहाँ तक कि जो इनकी सीटिंग वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा, सीटों पे लेग स्पेस है तो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपकी राइड होती है यहाँ पर। उसी के साथ आपको हर एक सीट पर ये स्क्रीन मिल जाती है। ये देखिए, इसमें मूवीज़, सॉन्ग्स, म्यूजिक्स वगैरह आप इसमें सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपके जो 4-5 घंटे हैं वो आपके ईजिली निकल जाएंगे। अगर आप ईयरफोन की बात करें तो ईयरफोन इसके साथ ही देते हैं एयर इंडिया वाले, ये भी बहुत अच्छी फैसिलिटी उन्होंने दी हुई है। और ये किड्स फ्रेंडली भी हैं, ये स्क्रीन से इसमें किड्स के लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम्स भी हैं, तो आपके बच्चे भी बोर्ड नहीं होंगे। डिनर टाइम हो चुका है क्योंकि ये फ़्लाइट रात को 10 बजे चलती है यहाँ से। और देखिए, ड्रिंक्स वगैरह आ चुकी हैं और ड्रिंक्स में यहाँ पर वैलेंटाइन्स मिल रही थी, उसी के साथ आप रेड या वाइट वाइन ले सकते हैं, ये जिनमें से आपको चॉइस होती है। ये देखिए, और आपको भुजिया मिल जाएगी और आप इसको मतलब एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पर बियर भी मिल जाती है आपको, ये है हैनिकेन की बियर। तो ओवरऑल सबसे बेस्ट फ्लाइट है यहाँ की। गुड मॉर्निंग गाइस। तो जी, हमारा प्लेन लैंड कर चुका है सिंगापुर में और ये मैं दिखा रहा हूँ आपको जो पहला व्यू मुझे दिखा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये फर्स्ट फॉरेन विजिट है। और ये देखिए, ये अब हम पहुँच चुके हैं इमिग्रेशन काउंटर पर। सो जब आप फ्लाइट से निकलते हैं तो आपको इमिग्रेशन कराना होता है किसी भी न्यू कंट्री में जाने के लिए। तो गाइस, इमिग्रेशन हमारा हो चुका है क्लियर और अभी हम आए एक शॉप पर जो एयरपोर्ट पर ही है, जो ये दिखा रही है कि सिम वगैरह हम यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको एक सजेशन यहाँ पर देना चाहूँगा कि आप सिम वगैरह अगर आप जियो चलाते हैं तो आपका जियो से ही काम चल जाएगा। उसमें ही फैसिलिटी दी गई है कि आप उसको रोमिंग पर भी चला सकें। यहाँ पर आप जियो का रोमिंग प्लान एक हफ्ते के लिए आता है, 1-2 GB उसमें डेटा मिल जाएगा आपको और आपका उससे कम चल जाएगा, पूरे बजट फ्रेंडली है। और गाइस, ये जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है बहुत ही खूबसूरत है और एकदम क्लीनलीनेस के मामले में नंबर वन है सिंगापुर का। ये देखिए आप व्यू, देखिए चांगी एयरपोर्ट का। ये व्यू मैं पहले देखा करता था कि इस तरह का भी कोई एयरपोर्ट हो सकता है और आज मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ तो बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये इंडोर ये वाटरफॉल है एयरपोर्ट पे, इसका टाइमिंग है सुबह 10 बजे के लगभग ये स्टार्ट होता है, तो आपको इतने देर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। बट ये वर्थ इट है आपको यहाँ वेट करना। आप ज़रूर यहाँ पर वेट करें तब तक एयरपोर्ट पे और इसको देख कर ही जाएँ, क्योंकि नेक्स्ट फ्लाइट जो अगर आप वापस आते हुए सोचेंगे तो वो भी अर्ली मॉर्निंग की होगी और तब भी आप इसको देख नहीं पाएंगे। सो गाइस, हमारी तरह और भी लोग सब यहाँ वेट कर रहे हैं इसके चलने का, स्टार्ट होने का। तब तक हमने और एक्सप्लोर किया बट एक्चुअली मॉर्निंग के टाइम पर यहाँ पर कुछ भी मतलब ओपन नहीं होता है, सब कुछ बंद कर दिया जाता है। सो कोई भी अट्रैक्शन वगैरह जितने भी आपने और सब यूट्यूब वीडियोज़ पर देखा होगा कि थिएटर वगैरह है और स्विमिंग पूल है, उन सब का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है और एक टिकट होता है। कुछ भी चीज़ यहाँ पर फ्री नहीं है, जैसा कि पहले मैंने बहुत सी वीडियो देखी और मुझे लगा कि सब कुछ फ्री है, बट ऐसा नहीं है, सबके एक अलग से टिकट्स है। बाकी अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप यहाँ पर ब्रश वगैरह कर लीजिए और फ्रेश हो जाइए, अपना मतलब मुँह वगैरह आप यहाँ धो सकते हैं और उसके बाद आप वेट करिए आराम से बैठ के यहाँ पर, और इस एयरपोर्ट को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत ही खूबसूरत है और मतलब मज़ा आ जाएगा आपको यहाँ पर घूमने में भी। ये देखिए आप, मैं अभी हूँ 4th फ्लोर पे और वहाँ से मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए कितने एकदम ग्रीन ग्रीन सब पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा एकदम हरा भरा एयरपोर्ट है, ऐसा एयरपोर्ट मैंने कभी नहीं देखा। गाइस, अगर आपको मेट्रो से जाना है तो आप टर्मिनल 1 से डायरेक्ट मेट्रो भी ले सकते हैं, MRT जो बोलते हैं यहाँ पर। ATC टावर एकदम न्यू डिज़ाइन का है ये भी। गाइस, ये यहाँ पर है, ये एक अट्रैक्शन हैज मेज, बट इसको आप नहीं करिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेस्ट ऑफ मनी है और बहुत ही थोड़ा मेज़ बनाया हुआ है, तो वर्थ इट नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर एक कैनोपी पार्क भी है बट ये भी किड्स के लिए ज़्यादा मज़ेदार है। तो तो गाइस, वाटरफॉल स्टार्ट हो चुका है।
तो गाइज वाटरफॉल देखने के बाद अब हमने कर लिया टैक्सी होटल जाने के लिए। आप यहाँ से डायरेक्टली चांगी एयरपोर्ट से MRT भी जाती है यहाँ की, आप डायरेक्ट अपने होटल में MRT से भी जा सकते हैं, बट हम पे थोड़ा लगेज था तो हमने ये टैक्सी की है। ये देखिए कितनी सुंदर है, इलेक्ट्रिक कार है सारी। तो गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये नई कंट्री देखने के लिए कि किस तरह की दिखती है, मतलब हमसे जो, क्योंकि अभी तक तो हम इंडिया में ही घूमते आए हैं कि यार हमारे देश से कितनी अलग होगी ये कंट्री। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। वाओ, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा यहाँ की क्लीनलीनेस की, कितना ही साफ जगह है ये। तो देखिए आप भी सड़क पे एक भी कूड़ा नहीं आपको दिखेगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही मतलब अलग चीज़ है, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इतना साफ भी कोई शहर में। मज़ा आ गया देख के ऐसे, और पूरे में अच्छे से पेड़ पौधे लगे हुए हैं और फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये कंट्री। और सब लेन ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो गाइस अब सुबह हो चुकी है और लगी हुई है हम सबको भूख, तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जो लोकल रेस्टोरेंट होगा, और उसके बाद जाएंगे अपने होटल पे, क्योंकि होटल का टाइमिंग होता है एक्चुअली 1 या 2 बजे से उसमें चेक इन स्टार्ट होता है। तो हमने सोचा तब तक यहाँ पे थोड़ा घूम लिया जाए और कुछ खा लिया जाए ब्रेकफास्ट में। ये देखिए गाइस सिंगापुर फ्लायर, और देखिए कितनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखी है इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो गाइस ये है इनका मेन्यू, और अभी तो ज़्यादा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, बट मैंने यहाँ पर अभी ऑर्डर किया है क्या काया चाय और एक काया टोस्ट, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। और पहले भी मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था कि सिंगापुर जाके काया टोस्ट ज़रूर टेस्ट करना, तो हमने फर्स्ट वही डिसाइड किया कि सबसे पहले काया टोस्ट ही टेस्ट किया जाए। मैंने ऑर्डर की है जिंजर मिल्क टी, और हिमानी ने ऑर्डर की है लेमन जिंजर हनी टी। लोकल लोग हैं ना, उसी के साथ हमने ऑर्डर किया है एक काया टोस्ट। कौन सी, लेमन टी ना, बजी हनी, गर्म पानी मिला के दे दिया। सो गाइस पी के देखते हैं ये मिल्क टी, थोड़ी अलग है उतना, मतलब हमारे जो इंडिया में मिलती है उससे उतना टेस्ट नहीं है, बट काम चलाने के लिए ठीक है। सो गाइस टी के अलावा हमने ऑर्डर किया है ये स्टीम काया टोस्ट, तो यहाँ बहुत से लोग यहाँ पर भी ट्राई कर रहे थे, तो हमने सोचा हम भी इसको ऑर्डर करते हैं। तो ये जो ब्रेड होता है उसमें बटर वगैरह उन्होंने लगाया हुआ है, ये देखिए फिलिंग दिखाता हूँ मैं आपको। वाओ, और एकदम गरम गरम हुए हैं, तो इसको करते हैं टेस्ट। अच्छे सॉफ्ट हैं ये टोस्ट, और डेफिनेटली यहाँ पर रिकमेंडेड है, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस ये है, ये देखिए ये है सिंगापुर का काया टोस्ट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ, इन्होंने इसमें पीनट और बटर लगाया हुआ है, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो अच्छे से ये इन्होंने भी अच्छे से इन्होंने टोस्ट किया हुआ है, और बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, बहुत ही अलग है ये। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा ओवर, और अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो हमने डिस्टेंस देखा है तो पास में ही है, तो हम सोच रहे हैं पैदल ही चले जाते हैं वहाँ तक। अगर आप सिंगापुर में सड़क वगैरह रोड वगैरह क्रॉस कर रहे हैं तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेड लाइट पे पेडेस्ट्रियन जो बने होते हैं उसी से रोड क्रॉस करनी चाहिए, बट कहते हैं यहाँ पर चालान भी कट जाता है, तो ये तो बात मुझे नहीं पता था। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको यहाँ की सड़कें वगैरह दिखाने के लिए। देखिए अब कितनी ज़्यादा क्लीननेस है यहाँ पर, कितना क्लीन है हर चीज़, कितनी एक भी आपको मतलब यहाँ पर कोई रैपर वगैरह नहीं मिलेगा। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब भी इस देश को, इस शहर को, अपने शहर को साफ रखें, आपको भी अच्छा लगेगा और जो लोग आते हैं यहाँ पर उन सबको भी अच्छा लगेगा। सो गाइज आप जो ये देख रहे हैं बस ये हॉपर बस है, और आप ये भी यहाँ पर आकर मतलब ले सकते हैं, ये आप इसकी एक पर्टिकुलर टिकट होती है और ये आपको अलग अलग डेस्टिनेशन पे छोड़ते हुए जाएगी, इससे आप पूरा शहर आराम से देख सकते हैं। अभी हम वेट कर रहे हैं रोड क्रॉस करने के, ये देखिए अब रेड लाइट हो गई है, सब देखना एक मार्क पर रुके हुए हैं सब एक। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया ऐसा शहर देख के, मतलब फर्स्ट टाइम में मतलब बड़ा ही मतलब बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। ये देखिए मोहम्मद अली रोड पे कितने सुंदर मुराल्स बनाए हुए हैं, वाओ अमेजिंग। एक्चुअली
जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था वहाँ से हमने 1.5 किलोमीटर दूर था, तो हमने सोचा पैदल ही गए हैं, बट रात को भी हम सोए नहीं हैं और थके हुए थे बहुत ज़्यादा, तो सामान खींचने में जैसे कि सामान बहुत ज़्यादा थक गए। सब मेहमान है कि जल्दी से पहुँचे अपने होटल में और आगे का कार्यक्रम करें। इसका यहाँ से देखें नीचे से, और ये रहा हमारा होटल है कार्लटन सिटी, और इसके पीछे की बिल्डिंग है, ये पूरी ग्रीन से भरी हुई है। ये सब वेट कर रहे हैं रूम क्लोज करने का। तो इस होटल का रिव्यू मैं एक अलग से डेडिकेटेड इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डाल दूंगा। चलिए अपने रूम से व्यू देखते हैं बाहर का। वाओ, देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर। अच्छा, जिस फ्लोर पे मैं आऊँ उससे भी ऊपर की एक बिल्डिंग है, ये देखिए। करते हैं पानी गर्म और पीते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं आज। सिंगापुर में आ गया गाइस, बहुत दिनों बाद फिर से ये रॉबी हुड मूवी देखी। बचपन की याद आ गई, मैं बचपन में मूवी देखा करता था। फाइन है, यहाँ पर बनाते हैं कॉफ़ी। एक ये कॉफ़ी मेट कर दिया है, क्लासिक है आई थिंक, इसका बिना मिल्क भी ध्यान नहीं हुआ है, तो इसको ट्राई करते हैं। ग्रीन टी ये मैंने सेटिंग कर लिया। सो गाइस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो मैंने सोचा एक ग्रीन टी बना के थोड़ा अपनी थकान दूर की जाए, उसके बाद आप सिर्फ अभी नहाएंगे और उसके बाद लंच करेंगे। सो गाइस, आज हमने लंच होटल में ही ऑर्डर कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, बट कल से हम यहाँ के जितने लोकल फूड हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, और कल का जो वीडियो होगा वो इससे भी ज़्यादा धमाकेदार होगा क्योंकि उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ अलग अलग एक्सप्लोर करूँगा यहाँ पर। कल फर्स्ट टाइम मैं MRT को भी यूज़ करूँगा, और उसी से मैं कहीं पर भी अगर जाऊँगा तो MRT का यूज़ करके जाऊँगा। सो गाइस, ये वाली जो बिरयानी मैंने ऑर्डर की थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। देखिए, इसमें प्रॉन्स वगैरह भी इन्होंने डाले हुए हैं, और सिंगापुर में प्रॉन्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर यहाँ आके आपने प्रॉन्स ट्राई नहीं किया तो मतलब कुछ ट्राई ही नहीं किया। टेस्ट में A1 है, थोड़ा टेस्ट डेवलप करना पड़ता है, थोड़ा अलग है हमारे यहाँ से, बट अच्छा लगेगा आपको। इवनिंग टाइम पे जस्ट हमने थोड़ा लोकल जो एरिया था वही एक्सप्लोर किया, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, और यहाँ पे हमने ये आइसक्रीम खाई यूनिकॉर्नेट होगी। कल से हम अपना जो ट्रिप है वो मेन स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थक गए थे, ठीक से हम कुछ आज कहीं जा ही नहीं पाए। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।